हेलो फ्रेंड्स आज हम करने जा रही हैं क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सिक्स पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसे संसार को जहाँ पे ह्यूमन बींग ना हो तो क्या ये जो रिसोर्स हैं इनको यूटिलाइज़ कौन करता है सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट ये सब कुछ यूटिलाइज कौन करता है इन्वामेंट को सोशली भी और कल्चरली कौन यूटिलाइज करता है ऑब्वियस है ह्यूमन बींग हम करते हैं द पीपल आर इम्पॉर्टेंट तो सभी लोग इम्पोर्टेंट होते हैं टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एक इकोनॉमी को डेवलप करने में और सोसाइटी को डेवलप करने में लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सिस जो लोग हैं यही रिसोर्सिस को यूज करते हैं और ये एक, एक, एक खुद भी एक रिसोर्स है ह्यूमन बींग भी एक रिसोर्सिस हैं विद वेरिंग क्वालिटी कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक अगर कोल की बात की जाए वो तो एक पीस ऑफ रॉक है वो एक तो एक पीस है अंटिल पीपल वो इन्वेंट अ टेक्नोलॉजी टू ऑपटेन जब तक जो लोग हैं उन्होंने इसको कैसे इसको इनवेंट किया टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया और इसको एक रिसोर्स बनाया जो इतने भी जो नेचुरल इवेंट होते हैं जैसे कि फ्लड सुनामी ये पहले डिजास्टर हुआ करते थे ये बहुत ज्यादा जो विलेज हैं टाउन है वो इफेक्ट हुआ हो, हो जाया करते थे पहले दो है नैचुरल इवेंट्स है, है ना Hence, population is a pivotal element in social study. Social study may तो पॉपुलेशन को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व एंड फ्रॉम विच दे ड्राइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग रिसोर्स तो जितने भी चीज़ें रिसोर्स बनती हैं और कैलमिटीज होती हैं डिजास्टर्स होती हैं वो सारी मीनिंगफुल हो जाती हैं अगर हम उसका रिलेशन करते हैं ह्यूमन बींग के साथ ओके okay, कोई भी चीज़ कैलेमिटी कैलमिटी ह्यूमन के साथ ये भी सारे ये डिजास्टर कैलेमिटी और ये सभी रिसोर्स ये सभी किसके साथ साथ रिले है, करते हैं ये सभी जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ये ह्यूमन बींग के साथ रिलेट करती है. इनका, इनका है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रोथ है ये सभी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्वालिटीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं बेसिक बैकग्राउंड कुछ भी समझने के लिए कुछ भी एप्रिसिएट करने के लिए किसी इन्वायरमेंट के सभी आस्पेक्ट को जो ह्यूमन बींग होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं अर्थ के रिसोर्सेज में वो प्रोड्यूस भी करते हैं और वो कंज्यूम भी करती है कि कितने लोग हैं एक कंट्री में कहाँ पे वो रहते हैं कैसे रहते हैं क्यों वो एक कैसे वो इनक्रीज हो रही है कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं ओके okay, एक सेंसस हुई थी सेंसस होता है जनगणना हर एक दस साल के बाद हमारी इंडिया में जनगणना होती है जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जानकारी मिलती है हमारी देश में कितनी आबादी है वो सारा कुछ हमें पता चलता है ये सेंसस के बारे में बताया गया है सेंसस इन ऑफिशियली ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली ये पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद होती है इन इंडिया द फर्स्ट सेंसिस जो फर्स्ट सेंसिस इंडिया में की गई थी वो एटीन में याद रखना है 1872 में की गई थी द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881 ये शुरू की कब की गई थी 1872 में मगर ये कंप्लीटली ये 1881 में कंप्लीटली मतलब इसको शुरू कर दिया था कंप्लीट कर दिया था ज बीन रेगुलरलीवन टेन ईयर तो उसके बाद एटीन हंड्रेड एट्टी वन के बाद रेगुलरली हर एक दस साल के बाद सेंसिस होती है इंडिया में द इंडियन सेंसिस इज मोस्ट कॉम्प्रीहसिग्राफिक सोशल इकोनॉमिकल डाटा हैव यू एवर सीन अससस रिपोर्ट क्या आपने कभी सेंसस uh, रिपोर्ट देखी है तो अगर नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हो वैसे भी सेंसिस की बहुत सी रिपोर्ट है जो आज इस चैप्टर में आप पढ़ोगे उसके बेस पर ही हम सब कुछ जानेंगे पॉपुलेशन के बारे में ओके वी आर प्राइमरली कंसर्न थ्री मेजर क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन थ्री कंसर्न ये क्वेश्चन जो होते हैं पॉपुलेशन के साथ फर्स्ट है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना साइज़ साइज़ है है का क्या और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है हाउ मैनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड कितने लोग रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं फर्स्ट फैक्टर ये है और सेकेंड फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ अ पॉपुलेशन चेंज पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है और ये प्रोसेस है पॉपुलेशन में वो कैसे चेंज होता है तो कैसे एक पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है और थर्ड करेक्टर और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन क्या characteristics हैं क्या क्वालिटीज हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में तो इसमें हम देखेंगे एज सेक्स कंपोजिशन लिटरेरी लेवल ऑक्योपेशनल स्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशन ये सब कुछ हम देखेंगे सबसे पहले जो ये कंपोनेंट है वो है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो कंपोनेंट है पॉपुलेशन साइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको कौन कौन से ये क्या है इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्या कहाँ पे क्यों ज़्यादा होती है कहाँ पे कम होती है कैसे ये सब कुछ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है ओके इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स अगर नंबर्स की बात की जाए इंडिया की पॉपुलेशन को इंडियाज़ पॉपुलेशन एज़ ऑन मार्च टू 2011 तो मार्च 2011 में जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी वो वन वन थाउजेंड टू हंड्रेड टेन पॉइंट सिक्स मिलियन थी कितनी थी वन थाउजेंड टू हंड्रेड टेन पॉइंट सिक्स मिलियन थी विच काउंट्स जिसको अगर हम परसेंटेज में देखें वो था वर्ल्ड वर्ल्ड की का। पूरे की का का पूरे और पॉपुलेशन थी सिक्स मिलियन दीज वन पॉइंटी वन बिलियन पीपल आर आर अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेडर आर कंट्रीज वास्ट एरिया थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो हमारी इंडिया का कितना एरिया है थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्र किलोमीटर ये हमारे इंडिया के पास एरिया है और कितनी आबादी है टू वन पॉइंट टू वन बिलियन ये लोग रहते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी जो प्लेस है यहाँ पे भी एक सारी एक सबको बराबर जगह मिली हुई है है ना तो ऐसा नहीं है तो अन ईवन है आपको देखने को मिलेगा विच काउंट्स द टू टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया तो यानी कि टू पॉइंट फोर वर्ल्ड का एरिया हमारे इंडिया के पास है तो फिगर सिक्स पॉइंट वन में भी मैं आपको दिखा दूँगी जब मैप आएगा टू थाउजेंड इलेवन सेंसस डाटा रिवील डेट द उत्तर प्रदेश तो टू था सेंसस होती है ना तो सेंसस में पॉपुलेशन के बारे में पता चला जो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है वो विदुलेशन उसमें जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी साइज ऑफ वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन मिलियन इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया सबसे इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य था उत्तर प्रदेश ओके जिसमें वन हंड्रेड नाइनटी नाइन मिलियन पीपल रहते थे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अ फॉर अबाउट सिक्स ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन जो उत्तर प्रदेश है वो सिक्सटीन परसेंट पॉपुलेशन को अपने पास लिए बैठा है ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम अगर हम सिक्किम की बात करें जो हिमालयन रीजन में पड़ता है ये स्टेट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट जिसमें सिर्फ जीरो पॉइंट सिक्स मिलियन और लक्षद्वीप में ऑनली सिक्सटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन पीपल रहते हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लीज़ इन जस्ट फाइव स्टेट सिर्फ ये इंडिया की फाइव स्टेट ऐसी हैं जिसमें पूरे इंडिया की वैसे तो हमारी इंडिया में आपको पता है ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज हैं ओके okay? ये करंट डाटा है यानी कि अब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज हैं मगर हमारे एट फिफ्टी हाफ यानी कि फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन ये सिर्फ पाँच राज्यों में है कौन कौन से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश ओके okay, ये वाले पांच राज्य हैं तो याद करने की टेक्निक बताऊं मैं आपको इसका क्या टेक्निक है तो ये देखो प्रदेश प्रदेश वाले तो प्रदेश वाला देखो उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश याद कर लोगे वेस्ट बंगाल बिहार महाराष्ट्र महाराष्ट्र जो ठीक है इधर कोस्टल एरिया में बिहार उधर उधर आ गया और वेस्ट बंगाल ये सेवन सिस्टर्स वाली साइड में आ गया ठीक है तो ये ऐसे आप याद कर लेना इसको भी पांच स्टेट्स हैं ओके राजस्थान इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया वाइज अगर देखें राजस्थान सबसे बड़ा बड़ी स्टेट है जिसमें सिर्फ फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ही रहती है ओके यानी कि कितना अनइवन है तो क्या एक ऐसा क्यों है इसका कारण भी आपको बताया जाएगा ओके तो सबसे पहले ये देखो पॉपुलेशन का देख ले में इंडिया में सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट लोग यहाँ पे रहते हैं और बाकी एरि टू पॉइंट फाइव परसेंट बाकी वर्ल्ड में और देशों में रहते हैं एरियाज देखें तो एरियाज हमारे पास इतना कम है और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि देखो कितना ज्यादा फर्क है, है ना आगे ये नाइन्टी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट ये और वर्ल्ड के पास है सिर्फ टू पॉइंट फोर परसेंट ये हमारे पास ओके ये देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आप बहुत ध्यान से देखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है ये देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है उसके बाद है महाराष्ट्र में देन बिहार में वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ये पाँच राज्य हैं जिसके बारे में मैंने बताया है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश इनमें सबसे ज़्यादा है और उसके बाद है मध्य प्रदेश उसके बाद मध्य प्रदेश है तमिलनाडु है राजस्थान में सिक्स परसेंट ये सिक्स सिक्स परसेंट है है ना और कर्नाटका में फाइव परसेंट गुजरात में फाइव परसेंट उड़ीसा में थ्री परसेंट केरला में थ्री परसेंट झारखंड में थ्री परसेंट असम में थ्री परसेंट पंजाब में ऑनली टू परसेंट और छत्तीसगढ़ में टू परसेंट हरियाणा में टू परसेंट दिल्ली में वन परसेंट जम्मू एंड कश्मीर में वन परसेंट उत्तराखंड में वन परसेंट अदर स्टेट्स एंड यूटीज और यूनियन टेटरीज में टू परसेंट ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ठीक है ओके ये देखो फाइंड आउट में क्या है वट कुड बी द रीजन ऑफ एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया तो क्या बात हो सकती है भाई कहीं पे तो बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन कहीं पे कम है तो कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे कि ये पॉपुलेशन अन है एक हमारे एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉपुलेशन है वाई हाउ हाउ इट इज पॉसिबल ओके तो ये सब कुछ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी डेंसिटी तो पता है डेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर यानी कि एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम डेंसिटी बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अस अ बेटर पिक्चर ऑफ अ अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन तो एक अगर हम ना डेंसिटी देखें पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो इससे हम बेटरली अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है जो पॉपुलेशन डिस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी है इज़ अ कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ द पर्सन पर यूनिट एरिया एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसके बेस पे ही होती है इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में तो ये पहले मैप में दिखा दूँ आपको ये मैप देखिए आप ये हमारे इंडिया का 2011 का मैप है ये सेंसस ऑफ ऑफ इंडिया डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी देख सकते हो तो ये देखिए आप सबसे ज्यादा तो कि नंबर ऑफ द पर्सन पर सिक्योर्ड किलोमीटर यानी कि ये देखो ए पर सिक्योर किलोमीटर यानी कि ढाई सौ लोग रहते हैं ढाई सौ या ढाई सौ से कम जो ग्रीन वाला एरिया है ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे ढाई सौ या ढाई सौ से कम लोग रहते हैं ये कौन कौन से एरिए है चलो मैं थोड़ा सा ना आपको फिजिकली भी याद करवा देती हूँ ये वाले ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़िया भी हैं ये वाले इलाकों में है ना तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हिमालय है हमारा ये वाला इधर हमारा डेजर्ट इलाका हो गया ये भी ठीक ही है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो आबादी है मतलब कम है यहाँ पे आगे टू हंड्रेड फिफ्टी वन से फाइव हंड्रेड तक ये वाले देख रहे हो ये महाराष्ट्र है कर्नाटका आंध्र प्रदेश उड़ीसा झारखंड एंड गुजरात एंड असम ये वाले आ जाते हैं जहाँ पे पर सिक्योर किलोमीटर में टू टू हंड्रेड फिफ्टी वन से लेकर फाइव हंड्रेड uh, तक लोग रहते हैं देन ये येलो जैसे कि तमिलनाडु येलो सिर्फ ये है पंजाब है ना हरियाणा है ये तीन स्टेट्स हैं जहाँ पे पाँच सौ से लेकर साढ़े सात सौ लोग एक पर स्क्र किलोमीटर लोग रहते हैं उसके बाद आ जाता है सेवन हंड्रेड फिफ्टी वन से वन थाउजेंड तक ये जो लोग हैं ये देखो केरला और ये है उत्तर प्रदेश यहाँ पे रहते हैं ओके और रेड वाला देखिए और वन थाउज वन थाउजेंड वन एंड अब इससे भी ज्यादा है ये देखो कौन कौन से ये बिहार बिहार में और वेस्ट बंगाल में रहते हैं सबसे ज्यादा है डेंसिटी रेट अगर वेस्ट बंगाल और किसमें बिहार में दोनों में और सबसे कम किसके पास है सबसे कम ये देख सकते हो जो ग्रीन कलर के हमने देखे थे ये अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर सबसे ये इनके पास सबसे कम और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल एंड बिहार नोट तेलंगाना बिकम कमर ट्वेंटी स्टेट ऑफ ये देखो तेलंगाना है ना ये देखो आप ध्यान से देखिए पहले ना ये एक स्टेट हुआ करती थी ये सारी एक ये आंध्र प्रदेश है ना एक स्टेट हुआ करती थी ये अब इसके दो पार्ट बन गए हैं ये नीचे वाला आंध्र प्रदेश है ये ऊपर वाला तेलंगाना है ओके ये अब ये टू थाउजेंड फोर्टीन में बनी है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये जम्मू एंड कश्मीर है ये भी बायो कर दी गई है टू यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फाइव फाइव अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन को जाने के ये पहले जम्मू एंड कश्मीर ये एक स्टेट हुआ करती थी अब इसका क्या बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को ये इसकी टू क्या बना दी गई है इसकी टू यूनियन टेरिटरीज बना दी गई एक है जम्मू एंड कश्मीर एक है लद्दाख ओके तो ये सब कुछ करके ये वैसे तो ट्वेंटी नाइन स्टेट्स होगी थी और नाइन यूनियन टेरिटरीज हो गई थी और फिर उसके बाद और भी चेंजेस हुए थे जैसे कि ये दमन एंड दाऊ दादर नगर हवेली है मर्ज कर दिया गया था तो फिर क्या अब हमारी इंडिया में करंटली ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज हैं ओके दिस ठीक है समझ में आ गया होगा तो ये देखो डू नो में देखते हैं ऑनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया तो देखो बांग्लादेश और जापान बांग्लादेश और जापान ही ऐसे जिनमें हाई हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया से ओके फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश जापान तो जापान और बांग्लादेश की डेंसिटी भी आप देख सकते हो है ना द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर टू थाउजेंड इलेवन वॉज तो टू थाउजेंड इलेवन में अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी देखी जाए वो थ्री हंड्रेड एट्टी टू परसन पर, पर सिक्योर किलोमीटर जाने के स्पोज करो ये ए से से बी तक ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये ए किलोमीटर है सपोज करो सपोज करने के लिए बोल रही हूँ ठीक है यानी कि एक स्क्वेयर किलोमीटर है चलो एक स्क्वेयर किलोमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक और इतने एरिया में थ्री हंड्रेड एट्टी टू परसेंट रहते हैं कहने का मतलब ये है इन इजी लैंग्वेज डेंसिटी वेरीज फ्रॉम जो डेंसिटी है वो वेरी करती है अलग अलग है वन थाउजेंड वन बिहार बिहार मगर ये है है कितनी में में जबकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ सेवनटीन परसेंट है कितना ज्यादा फर्क आधा भी नहीं फिफ्टी परसेंट में नहीं बहुत ज्यादा फर्क है ना कहीं पे देखो कितने आंकड़ों का फर्क देखो आप बिहार में कहाँ पे है वन थाउजेंड वन हंड्रेड टू परसेंट स्क्वेयर किलोमीटर में बिहार में और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ सेवनटीन परसेंट है पर स्क्वेयर किलोमीटर में स्टडी ऑफ द फिगर सिक्स द पैटर्न ऑफ द अन इवन डिब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट उसके बारे में आपको पढ़ा ही चुकी हूँ अच्छे से हम डिस्कस कर ही चुकी हैं किसमें ज्यादा है किस में कम है ये सब कुछ हमने देखा ही है बिहार और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा थी हमने पढ़ा था ना तो एक्टिविटी है स्टडी द फिगर सिक्स पॉइंट थ्री एंड कंपेयरिट विद द फिगर टू पॉइंट फोर फिगर फोर पॉइंट सेवन फाइंड आउट द एनी को रिलेशन बिटवीन दिस में आप तो को रिलेशन देखना है आपने इन सभी जो आपको फिगर्स दी गई हैं ओके नोट द स्टेट विद द पॉपुलेशन डेंसिटी तो सबसे जो डेंसिटी वाले हैं तो हमने देख ही लिया था कौन कौन से डेंसिटी वाले स्टेट बिलो जि बिलो कॉ यानी कि जो जिनमें कम है टू हंड्रेड फिफ्टी परसेंट पर स्क्र किलोमीटर रग्ड टेरिन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर प्राइमेटिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्क्र पॉपुलेशन इन दिस एरिया तो क्या बोल रही हैं जिनमें हमने बात की थी ना कि वहाँ पे सिर्फ टू हंड्रेड फिफ्टी पर्सनस ही रहते हैं एक स्क्वेयर किलोमीटर में ऐसा क्यों है वो है क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अनफेवरेबल हैं जिसकी जब आप भाई मौसम ही नहीं सही होगा सुटेबल ही नहीं होगा अप्रोप्रिएट ही नहीं होगा तो वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे तो दैट्स तो वाई यहाँ पे ये यह जो स्टेज हैं इनमें अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होने के कारण इसीलिए वहाँ पे डेंसिटी कम है लोग कम रहते हैं विच स्टेट हैव अ डेंसिटी बिलो टू हंड्रेड फिफ्टी परसेंट पर स्क्वेयर किलोमीटर तो हमने पढ़ा था ना ये देखो महाराष्ट्र पढ़े थे हमने ये देखो ये देखो ये वाले ग्रीन वाले है ना ये देखो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर मेघालय असम मणिपुर नागालैंड मिजोरम सिक्किम बहुत हैं है ना तो ये कारण ही मैंने आपको बता दिया है आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है हमने पढ़ लिया है है ना तो ये है ये कंडीशन की वजह से असम एंड द मोस्ट ऑफ द पेंसुलर स्टेट है मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी जो असम है और जो पेंसुलर स्टेट्स हैं उनमें मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी हिली डिससेकटेड एंड रॉकी नेचर ऑफ़ द टेरेन क्योंकि हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं उसमें भाई पहाड़ भी आ जाते हैं टेरेन भी आ जाते हैं मॉडर्न मॉडरेट टू लो रेनफॉल भी आ जाता है शेलो और लेस फर्टाइल सॉइल भी आ जाती है जिससे वो इन्फ्लुएंस करती है पॉपुलेशन डेंसिटी को ठीक है अगर भाई जमीन भी नहीं अच्छी होगी तो भाई लोग क्या करेंगे वहां पे तो इसीलिए वहां पर कम लोग रहते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द केरला इन द साउथ टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी तो केरला में बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी भाई क्योंकि फ्लैट क्लीन है और यहाँ पे जो जमीन है वो भी फर्टाइल सॉयल है अबेंडेंट रेन भी बहुत ज्यादा होती है इसी और थ्री स्टेट्स आपने देखनी है नॉर्दर्न प्लेन्स में जिसमें हाई पॉपुलेशन है नॉर्दर्न प्लेन्स में हम देख ही चुके थे एक बार चलो दोबारा देख लेते हैं जिसमें हाई पॉपुलेशन है है ना <coughs> ये देखो <coughs> नॉर्दर्न प्लेन में हाई पॉपुलेशन में देखो ये ये है उत्तर प्रदेश है ना उत्तर प्रदेश और यहाँ पे है केरला यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और यहाँ पे भी, भी अच्छा सॉइल मिल जाती है इसीलिए यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं ओके तो ये देखो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ये वाले फैक्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ी सी लेंथी हो रही है ना वीडियो इसीलिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू